अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आपका खुश आमदीद है अज़ीज़ा रहमानी एजुकेशनल एंड वेलफेयर फाउंडेशन यूट्यूब चैनल में। ये वीडियो हमारे नाज़रीन के लिए ख़ास है क्योंकि अज़ीज़ा रहमानी एजुकेशनल एंड वेलफेयर फाउंडेशन 5 फरवरी 2023 को प्रोग्राम करने जा रहा है। जिस तरह आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये मौका जो है ऑल इंडिया एसे कम्पटिशन का मौका है। मतलब ये है कि जिन बच्चों ने ऑल इंडिया एसे कम्पटिशन में हिस्सा लिया था और वो बच्चे कामयाब हुए, उन बच्चों को इनाम दिया जाएगा। जिस तरह आप यहाँ पर देख सकते हैं, कुल हिंद मुसाबका मजमून नवेसी, मतलब कि ऑल इंडिया ऐसे कंपटीशन अज़ीज़ा रहमानी ने कराया था, जिनका टॉपिक था मुफक्किर इस्लाम अमीर शरीयत हज़रत मौलाना मोहम्मद वली रहमानी हयात व खिदमात। इन टॉपिक पर बच्चों ने ऐसे जमा किया, यानी मजमून नवेसी ने हिस्सा लिया। मजमून जमा करने के बाद उन बच्चों ने कामयाबी हासिल की, तो इस मौके पर उन बच्चों को इनाम दिया जाएगा। इनाम के साथ कुछ लोगों को अवार्ड भी दिया जाएगा। देखिए, आप इश्तिहार पर देख सकते हैं, जलसा तकसीम इनामात व अवार्ड है, और इसमें ज़ेर सदारत जो करेंगे वो है हज़रत मौलाना मोहम्मद शमशाद रहमानी कासमी, जो नायब अमीर शरीयत बिहार उड़ीसा झारखंड के हैं। मेहमान खुसूसी में जिन लोगों का नाम है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हाजी मोहम्मद अनवर रहमानी, प्रोफेसर अहमद महफूज, प्रोफेसर सफदर इमाम कादरी, मौलाना जकरिया कासमी, शहाबुद्दीन रहमानी कासमी, इन लोगों को मेहमान खुसूसी में रखा गया है। इसके बाद आप देखेंगे मेहमान एजाजी में जिन लोगों का नाम है, ये लंबी फहरिस्त है, आप इसको देख सकते हैं, जनाब मुफ्ती नादिर कासमी साहब, जनाब डॉक्टर वाहिद नज़ीर साहब, शहनशाह तरन्नुम, जनाब मौलाना मंजर कासमी साहब, इनके लंबी फहरिस्त आप नाम देख सकते हैं। इसके बाद यानी अज़ीज़ा रहमानी तरफ से कहा गया कि हमारे तमाम नाज़रीन जो हैं, तमाम लोगों को दावत दी जा रही है, तमाम नाज़रीन जो देख रहे हैं इस वीडियो को, आप लोग ज़रूर इस प्रोग्राम में शरीक हों। इसके अलावा जिन बच्चों ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया, यानी मजमून नवेसी में हिस्सा लेकर जमा किया, और उन बच्चों को सनद दी जाएगी। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर अवार्ड दिया जाएगा कुछ लोगों को, और इसके एक तरफ अवार्ड का कॉलम बना हुआ है, दूसरी तरफ स्पेशल बिलव्ड, मतलब ये कि मौलाना मोहम्मद वली रहमानी रहमतुल्लाह अलैह के जो ख़ास लोग थे, जो मोहब्बत करने वाले, तो बहुत सारे लोग तो इनमें से जो ख़ास मोहब्बत करने वाले थे, तो उन लोगों को अज़ीज़ा रहमानी टॉफ़ी देकर नवाजेंगे। तो उन लोगों में आप यहाँ पर नाम देख सकते हैं, 6 लोगों को नाम मुंतखब किया गया है, जिनमें मौलाना मोहम्मद सुबहान साहब रहमानी, जनाब हाजी अनवर रहमानी, जनाब मोहम्मद सलाहुद्दीन रहमानी, हाफिज मोहम्मद इम्तियाज रहमानी, हाफिज एहतेशाम रहमानी, मौलाना फारूक रहमानी, इन 6 लोगों को टॉफीज देकर नवाजा जाएगा। इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ अवार्ड के बारे में। एक तरफ देखेंगे 4 अवार्ड दिया गया है। सबसे पहला अवार्ड जो है मौलाना मोहम्मद वली रहमानी अवार्ड, जो नायब अमीर शरीयत बिहार उड़ीसा के हैं मोहम्मद शमशाद रहमानी कासमी साहब, उनको दिया जाएगा। और दूसरा अवार्ड जो है शमशुर्रहमान फारूकी अवार्ड, जो प्रोफेसर महफूज साहब है जामिया मिल्लिया इस्लामिया के डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू के हेड हैं, उनको दिया जाएगा। तीसरा अवार्ड है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अवार्ड, जिनको दिया जाएगा, उनका नाम है प्रोफेसर सफदर इमाम कादरी साहब। चौथा अवार्ड जो है वो है एना इंफॉर्मेशन यूट्यूब अवार्ड। और इसके अलावा मैं अब बच्चों के बारी है, जो बच्चे हिस्सा लिए थे, देखिए नीचे लिखा गया ऑल इंडिया एसे कंपटीशन में जिन बच्चों ने हिस्सा लिया था, जिनका टॉपिक था इस्लामिक स्कॉलर अमीर शरीयत हज़रत मौलाना मोहम्मद वली रहमानी हयात व खिदमात, तो इन बच्चों का आप यहाँ तस्वीर देख सकते हैं। इनमें टोटल बच्चे 14 बच्चे हैं। 14 बच्चे में फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 बच्चे हो गए, और 11 बच्चे को तस्जी इनामात दिया जाएगा। मतलब कि टॉप 10 आपने सुना होगा, लेकिन अज़ीज़ा रहमानी कुछ अलग करते हैं, इस वजह से टॉप 10 के जगह 11 टॉप हो गया है। तो इस प्रोग्राम में बच्चों को हौसला अफजाई के लिए आप ज़रूर शरीक हों, और एड्रेस वगैरह यहाँ दिया गया है, और यहाँ पर आप नीचे में देखिए आपसे शिरकत की पुरखलूस दरख्वास्त है, यानी अज़ीज़ा रहमानी आपसे दरख्वास्त कर रहे हैं, आप लोग ज़रूर शिरकत हों। इसके बाद नाश्ता का टाइम भी आपको मैं बताना चाहूँगा कि नाश्ता टाइम भी आप देख सकते हैं, 9:30 में आपको नाश्ता दिया जाएगा,
और प्रोग्राम का इफ्तिताह यानी प्रोग्राम जो शुरू होगा वो 10 बजे शुरू कर दिया जाएगा। उसके बाद सर 11 बजे चाय की नज़म रखा गया, चाय वगैरह आपको पिलाई जाएगी। इसके बाद जोहर के बाद मतलब 2:30 बजे खाना वगैरह खाकर आप फारिग हो सकती हैं। इसके बाद आप नीचे में देख सकते हैं अजीज़ रहमानी का यूट्यूब चैनल भी है, और इस यूट्यूब अजीज़ रहमानी के चेयरमैन जिनका नाम सबा अंजुम है और कोऑर्डिनेटर जो है मोहम्मद नजमुद्दीन रहमानी है, और इस प्रोग्राम में जो निज़ामत करेंगे वो है अब्दुल वाहिद रहमानी। मुझे उम्मीद है कि ये खबर सुनकर आप अपने दिल में खुशी महसूस कर रहे होंगे कि कोई फाउंडेशन ऐसा है जो ऑल इंडिया इससे कंपटीशन कराते हैं और बच्चों को हौसला अफजाई करने के लिए एक रास्ता वो निकाले हैं। तो आपसे दरख्वास्त है कि अजीज़ा रहमानी की प्रोग्राम में आप लोग ज़रूर शरीक हों। शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।